सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह जी ने एक घोषणा की है कि हम बहुत जल्द ही लोक सेवा आयोग पर धरना शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, लोक सेवा आयोग पर धरना शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपके LTGIC का विज्ञापन, LTGIC की सेकेंड लिस्ट और ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जो युवाओं के हित में हैं, खासकर UP TGT PGT एग्जाम डेट। ऐसे मुद्दों को वहाँ रखा जाएगा। तो सबसे जो हाईलाइट मुद्दा होगा वो आपका LTGIC का नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले इसका अध्याचन आ चुका था लेकिन इस पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। लोक सेवा आयोग ने जो अध्याचन है उसको वापिस लौटा दिया और फिर से आयोग ने अध्याचन की मांग की है नए सिरे से, क्योंकि अध्याचन काफी पुराना हो चुका था और शिक्षक हर साल रिटायर होते हैं, तो नए अपडेट्स के लिए उन्होंने फिर से अध्यक्ष की मांग की है। लेकिन कितना समय लगेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी को लेकर के युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह जी ने चाहा कि हम लोक सेवा आयोग पर धरना शुरू करेंगे और बहुत जल्द LTGIC नोटिफिकेशन की डिमांड रखेंगे। लगभग सात साल से LTGIC का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जबकि भर्ती कंप्लीट भी हो चुकी है। लोक सेवा आयोग के बाद इतना समय है कि वो LTGIC का नया विज्ञापन जारी करा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना ही तो अध्यक्ष की मांग रखी गई है, बस बातें ही चल रही हैं और ना ही विज्ञापन से संबंधित कोई सूचना मिल रही है। दूसरी तरफ समकक्ष अहर्ता विवाद का भी विवाद अटका हुआ है, जो मुद्दा चल रहा है काफी समय से आपका समकक्ष अहर्ता का, उस पर भी काम करने की पूरी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। जितना जल्दी हो सकेगा इस समकक्ष अहर्ता विवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी रुकावट यही है। सबसे जो बड़ी रुकावट है वो यही है, आपके समकक्ष अहर्ता विवाद। जब तक ये विवाद खत्म नहीं होगा आपका LTGIC नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो सकता। रही बात आपके TGT और PGT की एग्जाम से संबंधित, देखिए मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि आपके TGT और PGT का एग्जाम वो सितंबर में ही हो पाएगा, क्योंकि अभी समय लगेगा, क्योंकि उप सचिव के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हो रहे हैं, 21 दिन का समय दिया है, उसके बाद उप सचिव की नियुक्ति हो जाएगी और जैसे ही उप सचिव की नियुक्ति होती है तुरंत आपके जो एग्जाम्स हैं और आपके जो नए नए भर्तियां हैं वो आने शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए आपको अपनी तैयारी करते रहना है, मेहनत करते रहना है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।